हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लोकेटर 99 यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं जू टाइकून। तो गाइस, जैसा कि आपको मालूम होगा, पहले भी हमने इसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाई हैं और हमने अपना इतना बड़ा जंगल जो है वो बिल्ड कर लिया था। अब मुझे ये भी नहीं पता ये हमारे लायंस थे, और साथ ही हमने यार यहाँ पर भी कुछ रखा था, मुझे अभी तक कुछ भी नहीं याद। मैंने काफ़ी देर से गेम को ओपन नहीं किया, लास्ट बार जैसे आपको दिखाई थी वैसे ही थी। ये जिराफ है हमारे, इनकी सेहत भी काफ़ी डाउन हुई। मुझे आज कॉल आई थी उनकी जू वालों की, वो कह रहे थे अपने एनिमल्स का ध्यान रखो वरना हम उनको उठा लेंगे, फिर भाई हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए मैं अभी जो है ना इनका ख्याल बहुत ज़्यादा रखूँगा अब, और आज से हम इसकी सीरीज़ दोबारा से कंटिन्यू करने जा रहे हैं, क्योंकि फ्री फायर का यार ट्रेंड जो है ख़त्म हो रहा है आस्ता आस्ता। तो अब हम जू टाइकून, GTA 5, कॉल ऑफ ड्यूटी, ऐसी ऐसी गेम्स खेलेंगे। तो चले गेम को शुरू करते हैं। तो गाइज, हमने यहाँ पर बहुत सारा कुछ बना लिया, ठीक है, ये हमारी एंट्रेंस है, यहाँ पर हर चीज़ जानवर वगैरह आ गए, लेकिन यहाँ पर रेस्ट रूम वगैरह तो बनाए नहीं। सबसे पहले अब हम बनाएंगे रेस्ट रूम, ये कंसेशन शायद इनसे इन्हें बाद में लगाएंगे। फैसिलिटी रेस्ट रूम ठीक है, इसे यहाँ पर लगाते हैं बिल्कुल साथ, और इसका कनेक्ट कर देते हैं, इसको इसके साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और अपग्रेड कर देते हैं इसे ताकि इसको बाद में अपग्रेड करने की जरूरत ना पड़े। प्राइजेज नॉर्मल है, बल्कि लो कर देते हैं यार, नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है, रिपेयर भी हो गई। हमारा जो है भाई रेस्ट रूम वो है बन चुका है। अब हम इस वाली साइड पे ना कुछ और चीज़ें लगाएंगे, जैसा कि यहाँ पर हमें मिला है ऑफिस है, जू कीपर सेंटर है, ब्रीडिंग सेंटर है, ब्रीडिंग सेंटर भाई, ब्रीडिंग सेंटर लाजमी वो यहाँ पर हमारा होगा। गाइस, ब्रीडिंग सेंटर होगा तो कुछ काम बनेगा ना, इसलिए हमें चाहिए था हम ब्रीडिंग सेंटर, वरना फिर यार हमारे एनिमल्स की ब्रीड जो है वहाँ पर यहाँ पर हुआ करेगी। अब इसके अंदर जाकर देख लेते हैं इसमें क्या होगा, ब्रीडिंग सेंटर के अंदर क्या नहीं होगा। मुझे तो शायद अंदर भी नहीं जाने देंगे, मैं जू कीपर हूँ, इसके अंदर जो होगा वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये एक अहम ज़रूरत थी इस जू की, वो मैंने पूरी कर दी है। अब साथ ही हम एक और चीज़ बना देते हैं, यूनिट ऑफिस, ठीक है, ये ऑफिस यार ऑफिस तो यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पर आई थिंक ये वाला ऑफिस ठीक है, यहाँ पर ये ऑफिस ठीक है, इसका रास्ता यहाँ पर मिलाते हैं, और साथ ही स्टाफ स्टाफ भी रखना पड़ेगा यार, स्टाफ हायर कर लेते हैं, इसको भी हायर करते हैं, और हायर करते हैं यार, इसको भी हायर कर लेते हैं, इसको भी ट्रेन कर देते हैं, ठीक है गाइस, एक और हायर कर लेते हैं, इसको अल्फ्रीडो, ठीक है, ट्रेन दो लेवल 3, ओके, बैक करते हैं, एक और हायर करते हैं अलन, ये भी इसको भी हायर कर लेते हैं, फुली ट्रेन है, ठीक है। तो गाइस, हमारा स्टाफ भी आ चुका है ऑफिस के अंदर, मुझे तो यही लग रहा है आ जाना चाहिए, पता नहीं आया क्या नहीं। मेंटेनेंस सेंटर यार, अभी मेंटेनेंस चल रही है मेरे ख्याल से, इसीलिए अभी तक हमारा स्टाफ जो है वो नहीं आया। कोई बात नहीं, स्टाफ हमारे आते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, इसमें हमारा ऑफिस बन गया, ये बन गया, वो बन गया, यहाँ पर कुछ और बनाते हैं। अब ना जू कीपर सेंटर, ये वाला तो भाई लाजमी है, इसको यहाँ पर लगा देते हैं, इसका रास्ता इसी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, इसी के साथ, हाँ, यहाँ पर भी स्टाफ चाहिए, यहाँ पर हम इसे रखते हैं, इसे यहाँ पर कर देते हैं। यार हमारा लेवल 17 आ गया, और ये और बहुत सारे भाई, इतने ज़्यादा जानवर हम कैसे यार, यार ये तो बहुत ज़्यादा जानवर हैं, इसे करते हैं अपग्रेड, और यहाँ पर एक और स्टाफ लाते हैं, इसे यहाँ पर पकड़ते हैं, इसे हायर करते हैं, फुली ट्रेन है, यहाँ पर एक और स्टाफ लाते हैं, इसे भी यहाँ से इसे पकड़ लेते हैं, फुली ट्रेन है, ठीक है, बैक करते हैं, अभी हमें इतना स्टाफ चाहिए था। हमारा ये भी बन चुका है फाइनली। तो गाइस, हमारे जो बेसिक बेसिक जो हमारे में अंदर कमियां थी हमारे जू के अंदर, वो हो चुकी हैं अब पूरी, और अब हमें चाहिए कुछ यार खेलने कूदने वाला सिस्टम, जहां पर बच्चे आए, वो चीज़ें, डेकोरेशन भी हमें बनानी पड़ेगी, वो हम बनाएंगे डेकोरेशन। डेकोरेशन वैसे मिड में मना करती है, यहाँ पर बन जाएगी अगर हम यहाँ पर वो लगा दें तो, स्टैचू लगाते हैं, यस यस यस, एलिफेंट,
या ये ठीक है, ये ठीक रहेगा, बिल्कुल ठीक, एग्जैक्ट यहाँ पर लगाते हैं, बिल्कुल दरमियान के अंदर हमने डेकोरेशन भी बना दिया। इसका रास्ता भी इनके साथ जोड़ देते हैं और फिर इसे कनेक्ट करते हैं इसके साथ, और फिर कनेक्ट करते हैं इसके, नहीं यार इसके साथ नहीं, इसके साथ। तो ठीक है, अब हम इसको कस्टमाइज कर लेते हैं अपनी मर्जी से, ट्रीज ऐड कर लेंगे यार, सबसे सिटी ट्रीज, एल्पलाइन यार काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे, वो एल्पलाइन इसके साथ आ जाएंगे। ठीक है, और अब इसको क्या करना है, और कस्टमाइज करते हैं। बेंचेस, बेंचेस पास होने चाहिए, ये लाजमी चीज़ है, बेंचेस ना होंगे तो लोग आगे बैठेंगे वहाँ पे। ये वाला प्यारा लग रहा है, ठीक है, हो गए बेंचेस अपने। और कस्टमाइज करते हैं, पेंट, पेंट इनका क्या होना चाहिए, ब्रोंजे, ठीक नहीं यार ब्रोंजे नहीं ठीक लगा, कॉपर, कॉपर ठीक है, कॉपर ओके है। और ठीक है, अब जाकर हम अपनी डेकोरेशन को देख लेते हैं। तो गाइस ये है वो डेकोरेशन जो हमने अभी अभी बनाई है, और इसके साथ हमें ट्रीज वगैरह भी मिल गए हैं, और ये काफ़ी जू को प्यारी लुक देगा। ठीक है, हमारा जो है ना थोड़ा बहुत और काम हो चुका है, अब हम यहाँ पर कुछ जानवर भी लाएंगे। भाई जानवर नहीं लाएंगे तो फिर काम कैसा बनेगा, बढ़िया एग्जीबिट लाते हैं हम, ये ट्रॉपिकल टंड्रा यार, ट्रॉपिकल कौन सा है, ट्रॉपिकल लार्ज नहीं यार, ये हमारे पास पहले भी है, ये नहीं चाहिए हमें, ट्रॉपिकल नहीं चाहिए हमें, कुछ यार प्यारा सा कुछ चाहिए। मैं जो आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ओ ये ठीक है भाई, ये ठीक है, इसका मुंह थोड़ा उस साइड पे करना पड़ेगा, इस साइड पे, इस साइड पे, हाँ ऐसे, अब ठीक है, हो जा बेटा सेट, यहाँ पे लेवल 18 हो गया, और बहुत सारे जानवर जो है हमारे अनलॉक हो चुके हैं। ये क्या चीज़ है, वाओ ये भी आ गया, लाइन भी, लार्ज लेक भी, भाई बहुत कुछ हमारा अनलॉक हो चुका है। इसको यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, और साथ में इसको यहाँ से भी कनेक्ट कर देते हैं, और अब इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर हम कौन से जानवर लाएंगे। यार ये काफ़ी बढ़िया जगह है, इसके अंदर हमें कुछ अच्छे अच्छे जानवर लाने चाहिए, ताकि इसकी शान भी बरकरार रहे इस जगह की। यार जानवर हमारे पास वैसे कौन से हैं, इनके अंदर यार यहाँ पर तो कोई इतने अच्छे नहीं है जानवर मुझे लग रहे। यार चैम्पियंस भी आ गए हैं, हर चीज़ आ गई है, और ये क्या चीज़ है, हाँ ये काफ़ी प्यारे हैं, इन्हें पकड़ते हैं भाई, कसम से मुझे ये काफ़ी, मैं इनको ढूंढ रहा था, ये बच्चा है इसका, वो भी ले लिया, और इनमें से एक और लूँगा भाई, ये काफ़ी अच्छे हैं, मैं बता रहा हूँ काफ़ी अच्छे हैं ये, एक ये पकड़ लेते हैं भाई, ठीक है, और साथ ये भी साथ ही आएंगे। यार ये थोड़ा सा मुझे ना वो डरावने डरावने लगते हैं, इसलिए मैं ये नहीं लूँगा, ये वाले ठीक हैं, इन्हें भी पकड़ लेते हैं, ये मेल है, ये यार ये मेल है क्या फीमेल, ये सभी पकड़ लेते हैं, और एक ये बच्चा पकड़ लेते हैं। ठीक है, छह जानवर जो हमारे यहाँ से निकल चुके हैं अभी, और एक ये वाला, ये मेरे ख्याल से अरेबियन है, मुझे तो यही लग रहा है, अरेबिया के जो है ना पहाड़ों के ऊपर ये रहते हैं। लेवल 19, और इतने प्यारे तोते और जिराफ, और ये भाई बहुत कुछ हमारा अनलॉक हो चुका है। वीडियो के वीडियो इसकी सीरीज जो है ना काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाली है, आपको बता रहा हूँ मैं, ओए जगह ही नहीं ख़त्म हो रही। अब ठीक है भाई, पूरी की पूरी जगह हमने भर के रख दी है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमारी ऑडियंस भी आ चुकी है। अब मैं जाकर इनको देखता हूँ करीब से, ओ भाई कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं भाई, काफ़ी खूबसूरत। अब इनका जो है ना वो होगा, ये ना एक दूसरे के अंदर, यार ये जो है ना एक ही चीज़ है, मतलब इनका ख़ानदान सेम है, कुछ इनकी नस्लें वगैरह जो है ना वो शायद ये ज़्यादा खूबसूरत हैं, हर चीज़ की भाई खूबसूरती होती है, ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है अगर इसे एक एंगल से देखा जाए। उसके अंदर जो है गोट ने रंग बदल भर दिए हैं, ये उसका बच्चा है, वो जो ऑरेंज वाली है ना उसका बच्चा है। अब हमने और बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किए हैं, इंपोर्ट किए हैं, सच एक्सपोर्ट मुँह से निकल जाता भाई। अब ये नया आ रहा है कोई, ये भी वो येलो वाला है, हमने पहले इनको इंपोर्ट करवाया था, ये पहले आ रहे हैं, कोई बात नहीं, अब इनके लिए मैंने कुछ बनाना पड़ेगा ताकि ये रहें ठीक ठाक रहें और खुशहाल रहें। अगर इनको थोड़ा सा भी मसला आया तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा,
पहले उन्होंने वार्निंग दी है कि आप अपना करते नहीं। आई थिंक यार ये खुद खाना खाते हैं क्या, मुझे खुद बनाना पड़ेगा, मैं देख लेता हूँ जाके। हाँ मुझे खुद खिलाना पड़ेगा खाना इन्हें। कोई बात नहीं भाई, हम खिला देंगे खाना इन्हें। और भी यहाँ पर कुछ लगा देते हैं, कुछ डेकोरेशन वगैरह भी होंगी तो फिर ही मज़ा आएगा। ये पकड़ते हैं और इसके अंदर हम शेल्टर्स बना देते हैं। भाई इनको शेल्टर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। सबसे महंगा वाला यार, वैसे सब भी महंगे हैं लेकिन ये वाला ठीक है। इनके लिए थोड़ा सा ना वो घास टाइप है, घास के लिए वो जो है ना दरख्तों के नीचे, वैसे भी जगह जो है ना ठंडी होती है, ये यहाँ पर आके सुकून आराम से कर लेंगे अपना। वो गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है यार। नहाते वगैरह नहीं है ये, वैसे मुझे ये बताओ अगर नहाते हैं तो बंदा वो भी कर ले कुछ सिस्टम इनका। मुझे नहीं लगता ये नहाते होंगे। नहीं यार नहीं, ये नहीं नहाते, ये नहीं नहाते, नहीं नहाते, नहीं नहाते। इसको ख़त्म कैसे करना है, इसे कैसे ख़त्म करना है भाई। ओ यार उसे कैसे ख़त्म करना है, एक मुझे जू के अंदर जाने दो। वो हमारा जो पैसे इतने ज़्यादा हुए हैं, मुझे ये चाहिए ये सेल कर दूँ। यार इसका क्या करेंगे अब यार, यहाँ से हमारे पैसे जो हैं ज़ाया हो गए हैं इसके अंदर से। ये और साथ ये ठीक है, और साथ इंट्रैक्शन के लिए ये बना है, ये बना है, ये बना है, और एक मिनट ये भी है। यार वो किधर है जो मैं बता रहा हूँ, हाँ ये, इसको हम सेल कर देते हैं। ठीक है भाई, हमारे पैसे जो हैं काफ़ी हद तक वापस आ चुके हैं। अब हम दोबारा इसके अंदर जाते हैं और इनके लिए कुछ डेकोरेशन वगैरह और इनके हैबिट हैप्पीनेस वो सब कुछ इनका पूरा करना पड़ेगा। आई भी डेकोरेशन के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, स्टैचू नहीं ये लगा देते हैं यार, ये तो काफ़ी बुरे लगते हैं। नेचुरल ओके ये वाला लगा देते हैं यहाँ पर। रिटर्न टू जू, काफ़ी यार लुक बन गई है ये जगह ही, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ऊपर से मैंने जानवर भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करवा दी है वो चीज़। यार वैसे इनका हैबिट हैप्पीनेस क्या होता है, मुझे इनके बारे कुछ ज़्यादा इलम नहीं है, मतलब एनिमल केयर में क्या है। यार ये ऐसे खाना खाते ही नहीं, तो इनको खिलाना पड़ेगा। ये क्लाइंबिंग भी नहीं करते, और शेल्टर के नीचे ये रहेंगे। शेल्टर हमने बना दिया, आई थिंक ये काफ़ी है इनके लिए। तो गाइस अब हम यहाँ से बगी पकड़ते हैं अपनी। बगी किधर आ जा, अपनी बगी आ गई है गाइस, इधर आ भाई, ये आई। अब जाकर हम इन्हें खाना खिला देते हैं। गाइस काफ़ी क्यूट लग रहे हैं अभी तक के, मेरे सबसे फेवरेट ये हैं भाई, मुझे काफ़ी इनसे लगाव हो गया। मतलब यार काफ़ी क्यूट है ना ये, खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा है वो चीज़। अब यहाँ पर चलते हैं, इनको खाना खाते हैं, देखते हैं खाते भी हैं कि नहीं। भाई खा लेना, आपके लिए इतना कुछ किया हमने को, आपको खाना तो पड़ेगा अब। आ जा यार, आवाज़ें दे रहा हूँ मैं, आता क्यों नहीं भाई। आई थिंक ये आ रहा है, ये बच्चा आ रहा है, बच्चा आ रहा है। कोई बात नहीं बच्चे, तू केला खा, आ जा आ जा आ जा आ जा, खा ले खा ले। अबे तेरे से खाया भी नहीं जाएगा, खा लिया, कोई बात नहीं। आप इसके हम ये पत्ते खिलाएंगे, ये भी ये काफ़ी जो है ना खुशी से खा लेते हैं। चल खा गाइस, ये भी खा गया। वैसे ना ये इसकी हालत काफ़ी पूरी हो गई है, अब किसी ना वो मेल को खिलाते हैं दूसरे को, ये इसकी हालत पूरी है। अब जा बेटा तू मौज कर, कोई बात नहीं, हमारा ये हो गया आज का काम पूरा। और अब हमने आई थिंक ये काफ़ी आज के लिए भाई, इसको इम्पोर्ट करवाया। अब हम जाके अपने सारे एनिमल्स को देख लेते हैं एक बार कि हमें ये एकदम ठीक है, ये बच्चा है ठीक है, और ये भी बेबी है दूसरे का, और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है भाई। इसके सींग देखो, इसके सींग ही बहुत महंगे होंगे अगर, वैसे इसका शिकार भी बहुत कम होता है। और ये दूसरा मेल है, मेल है कि फीमेल है पता नहीं अब क्या, या मुझे मेल फीमेल की पहचान करनी पड़ेगी।
फिर मुझे पता चलना है आपने एनिमल बना रखे हैं, पता नहीं कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। कोई बात नहीं, कर लेंगे, देख लेंगे सब कुछ। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज हमने ये खूबसूरत सी हिरने यार जो भी कहो वो इम्पोर्ट करवाई और उनको खाना खिलाया, उनकी एक्टिविटी टर्म। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे जा दें गाइस, ये सीरीज़ ख़त्म नहीं होगी, इसके ऊपर पूरी सीरीज बनेगी। जैसे कि लेवल 90 के ऊपर मुझे 19 के ऊपर बहुत ज़्यादा एनिमल्स और मिल गए हैं, सब हम इम्पोर्ट करवाएंगे, अपना जंगल बहुत बड़ा कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।